हमको बहुत सोच सोच के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बाय ये दाएं तरफ जो माताएं बैठी है कि इनको मेरी बात समझ में आ जाए। दाएं तरफ जो माताएं बैठी है ना, मेरी बात कि हर आदमी सभा में बैठा हुआ है, वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, हर मनुष्य शरीरधारी एक समान सौभाग्यशाली है। भगवान ने एक समान व्यवस्था सबके शरीर में दिया है, तो हर कोई आप परमात्मा के द्वारा बनाए हुए अनमोल कृति हैं। तो अपनी महिमा को सब कोई समझिए, अनपढ़ भी गुरु महाराज कहते हैं पीपर भंगिया पढ़ पढ़ हुआ करो तरी हो निशंक को हो, करते गयो जो अस किए सब राव राना रंग हो, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। यहाँ तो माता सबरी एक अक्षर पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन भगवान राम वहाँ पधारे, क्यों? उनके हृदय में भगवत भक्ति है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ तो भगवान पहुँच जाएंगे, तो हम जैसे मच्छर की क्या औकात है कि आपके बीच नहीं आएंगे, आना ही है ना। तो आपको समझाना है, सोच सोच करके हमको बोलना पड़ रहा है कि आखिर कैसे आप लोग समझें। देखिए भीष्म पितामह से पूछते हैं युधिष्ठिर जी महाराज कि महाराज लिखा हुआ है कि देवताओं का शरीर से भी दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, और देवता तो स्वर्ग में रहते हैं, और जो इच्छा करते हैं उनको तुरंत प्राप्त हो जाता है बिना किसी परिश्रम के। देवताओं को या तो राजा को भी चाय पीनी हो ना, प्रधानमंत्री जी को चाय पीनी हो तो ऑर्डर करे तो चाय बनने में तो 2-4-5 मिनट तो लगेगा ना। आ देवलोक के देवता संकल्प जिस चीज के लिए करते हैं वो उनको सहज प्राप्त हो जाता है। तो संकल्प मात्र से तत्क्षण जिनको मिल जाता है सब सुख भोग, उससे मनुष्य कैसे श्रेष्ठ हो गया। हम राजा है तब तो हमको अनुभव ही नहीं हो रहा कि हम श्रेष्ठ है। तो आम आदमी जो बड़ी मेहनत परिश्रम के बाद अपने बाल बच्चों के लिए 2 समय की रोटी जुटाता है, उसको कहे कि तुम देव दुर्लभ शरीर में हो तो कैसे विश्वास करेंगे। हम देवता से विशेष शरीर में है भाई, यहाँ तो बड़ा दिक्कत है। देखिए महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने बहुत अच्छा बात समझाया, सब लोग समझ जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, बस खाली शांत भाव से बैठिएगा और सुनिएगा, समझे ना। नहीं तो सत्संग में कबीर साहब बोले है ना कि सत्संग में आकर दूसरी बात नहीं करनी चाहिए, उससे आदमी का अहित होता है, क्योंकि हम नहीं सुनते दूसरे को भी नहीं सुनने देते। मैं कहते हैं सुनो, आपने सुना होगा लोहा और सोना, लोहा और चांदी नहीं, दो धातु है ना, 1 kg चांदी 1 किलो लोहा, दोनों में कीमत का कितना अंतर है। लोहे की कीमत 50 रुपया, अरे एक छड़ खरीदने जाते हैं 50 रुपया में मिल जाता है ना 5000 रुपया का क्विंटल, ज्यादा है 6000, और घर का लोहा हो तो कितना रुपया लेके जाता है वो, आपके घर में लोहा पड़ा है कितना 10 रुपया 1 किलो का, और 1 किलो चांदी अगर आपके घर में है तो उसकी कीमत आप सोच लीजिए। आप लोग चांदी उपयोग करते होंगे, लगभग 80,000 रुपया होगा नहीं 1 किलो, तो 80,000 रुपया चांदी का होगा, 8-10 रुपया लोहे का। तो महंगा कौन है, लोहा की चांदी? आपको हम कहें कि दोनों में से कौन लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, लोहा की चांदी? चांदी लीजिएगा ना, कोई डाउट नहीं है इसमें, हम भी वही लेंगे। जो लोहा लेगा वो मूर्ख होगा, वो मूर्ख होगा ना, लोहा क्या करेगा, 1 किलो चांदी लेके उसमें थोड़ा सा बेच के 25 किलो लोहा खरीद लेगा, लोहे की जरूरत भी होगी। तो कहते हैं कि सुनो, मनुष्य का शरीर लोहे का शरीर है 10 रुपया किलो, और देवता का शरीर है चांदी का शरीर 80,000 रुपया किलो। महंगा कौन है, देवता का शरीर। फिर कहते हैं कि अब सुनो, समझ में आ जाएगा कि मनुष्य कैसे दुर्लभ शरीर है।
अब एक होता है पारस मणि पत्थर, नाम सुने हैं? वो लोहा को क्या करता है, पारस के प्रसन्न से क्या हो गया, सोना हो गया। पारस जैसे सटा लोहे में कि लोहा लोहा नहीं रहता, सोना हो जाता है। आप जो लोहा 10 रुपया किलो था, पारस उसमें सटा दिया गया, उसकी कीमत क्या हो गई, अब 1 किलो सोना बन गया। अब आपको कहें दोनों में कौन लीजिएगा, तो किसको? अब चांदी उतने ही कम दाम का हो गया सोना के सामने जितना लोहा के रूप में वो लोहा था। अब सोना तो समझ जाइए, एक भरी सोना का कितना दाम है, 80 भर सोना जब मिलता है तो 1 किलो होता है। तो पता नहीं अब जो भी हो, लाखों में तो हो गया, लाखों में 1 किलो चांदी से कई गुना विशेष उसकी कीमत हो गई पारस के स्पर्श से। भीष्म पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सामान्य मनुष्य और देवता के शक्ति में यही अंतर है कि मनुष्य उसके सामने तुच्छ बना रहता है, हाथ जोड़े रहता है, उसका अंतःकरण सिकुड़ा हुआ रहता है। देवता की उसकी तुलना में फैली रहती है, इसलिए उसकी शक्ति बड़ी रहती है। वो आशीर्वाद दे के किसी का हित कर सकता है, किसी का अहित कर सकता है देवता। लेकिन एक संत सदगुरु होते हैं, संत सदगुरु रूपी पारस, जैसे ही मनुष्य शरीर रूपी लोहा को अपने स्पर्श अपने ज्ञान से कराता है और सदगुरु के ज्ञान को जो मनुष्यधारी जीव पकड़ लेता है तो उसकी महिमा क्या हो जाती है। सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष से सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। विचार कीजिए, सदगुरु पशु मानुष करे, पहला काम क्या करेगा, पशु का क्या काम है? भगवान कृष्ण ने कहा आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सामान्य में तक पशु विरणा वाला। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना। अब भय तो जानते ही हैं आप, भय तो सबको है ना? 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, क्यों, कोरोना पकड़ेगा मर जाओ, मरने का डर है ना, तो स्वाभाविक है मौत का भय सबको है। पशु पक्षी सबको है, आप डंडा उठाइए ना, पक्षी रुकेगी फरार। हाथ में रोटी रखिए सामने, और ऊपर से ऐसे डंडा किए रहिए, कुत्ता को कहिए कि आओ तो इधर आएगा, डर है ना उसको, तो भय। और संतान उत्पन्न, बाल बच्चा पशु को भी है। सूरदास कहते हैं, बक बकी और गिद गिदनी, आयु जन्म लिए तैसे, उन्हों के घर सुत दारा है, यह भेद कहूं कैसे, कैसे समझाऊं कि वो पशु पक्षियों के यहाँ भी बाल बच्चा है, वो भी उसका पालन पोषण करते हैं, आ तुम भी करते हो, खाते हो, सोते हो, डरते हो, बच्चों को जन्म देकर पालते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं सामान्य में तक, दोनों में समान पशु और मनुष्य, इतने जानते हो तो पशु के समान हो, मनुष्य शरीर में हो लेकिन व्यवहार और ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि, कृष्ण और राम की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में, संत महापुरुष की दृष्टि में, आप बस वो चौपाया, आप दुपाया। उनको सिंह और पूछ है, आपको सिंह और पूछ नहीं है, लेकिन है आप पशु ही। तो सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु पशु मानुष करे। सबसे पहली बात सदगुरु सिखलाते हैं कि आदमी वाला पहले भोजन तो सीखो, आदमी का आचरण विचार तो सीखो, आदमी का कर्म क्या है इसको तो जानो, कि आदमी क्यों आदमी होता है, क्यों पशु से विशेष है, क्यों देवता से विशेष है,
इसको पाकर के देवता अपने पुण्य का भोग करके फिर 84 में आ जाते हैं और मनुष्य गुरु के शरण में चला जाए कर्मधार सद्गुरु के, तो उसकी बताई युक्ति से अपने अंदर के मोक्ष द्वार में पहुंच करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा को प्राप्त करके सो जाने जे देव जने जाने तुम्हें हो जाए, ईश्वर को जान के ईश्वर हो जाता है और तब उसकी कीमत कैसी हो गई, सोना बन गया। अब उसके सामने देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, देवा नाम देवत्वम युक्त कार्य तेवसी चतुरंगोपी विनश्यति। कहते हैं जो सदगुरु के सदयुक्ति लेकर के साधन करके मोक्ष के द्वार को अपने अंदर में, जो साधन मोक्ष का द्वार है, दो आंखों के ठीक मध्य में शिव नेत्र है बंद पड़ा है, गुरु देवे भेद सार खोले बंद दसम द्वार, वो दसवां द्वार गुरु की युक्ति से जो खोल लेता है उसके अंदर में इतना सामर्थ्य आ जाता है कि देवा नपे देवत्वम वो देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। तब ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास आते हैं अपने अर्धांगनियों को लेकर सौभाग्य संवार में, इतनी शक्ति आ जाती है। ये पारस है गुरु का ज्ञान स्पर्श हुआ, गुरु के संपर्क में हुए, गुरु की कृपा पात्र बने, गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो और तुल सुचिन कारण झड़े सब पास हो, गुरु की कृपा मिल गई नहीं तो मन में विचार में ही गुरु तेरे साथ प्रभु तेरे संग हो, आप परमात्मा तो है संग में लेकिन आप देख लो कि दुख का नाश हुआ, अज्ञानता मिटी नहीं मिटा, गुरु मिले, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे, गुरु की सदयुक्ति मिली, अंदर में बैठे हुए परमात्मा को देखने की आंख खुल गई और उस आंख से आपने ईश्वर को पाया, आपके दुख का नाश हो गया, प्रभु को पाकर आप स्वयं प्रभु की तरह हो गए, देवी देवता आपके आगे नतमस्तक हो गए। अभी आप देवताओं के पास नतमस्तक होते हैं ना क्योंकि गुरु की युक्ति नहीं है। तो धर्म शास्त्र कहता है कि मोक्ष के द्वार को खोजो, स्पर्श कर दिया सदगुरु पशु मानुष करे, कहते इतना ही काम नहीं है तुम्हारा, खाओ पियो संतान को जन्म दो उसका पालन पोषण करो, तुम्हारी जिम्मेवारी है परलोक संवारने के लिए मोक्ष के द्वार में जाने के लिए, परिवार की व्यवस्था को करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए क्या करो, आप मोक्ष के साधन को करो, ध्यान करो, सत्संग करो, खान पान को सुधारो, भोजन को समझो, पहचानो कि आपका भोजन क्या है, आप मनुष्य हैं, आप शाकाहारी भगवान बनाए हैं इसलिए साग खाओ है ना, अनाज खाओ, कहते हैं ना जीव जीवस्व भोजन नहीं बोलते, जीव का भोजन जीव है तो शेर भी जीव है ना, और अनाज में भी जीव है तभी ना आप डालते हो पृथ्वी में तो उससे वृक्ष हो जाता है, जीव है ना उसमें, तो शेर को 5 किलो ले जा करके चावल दे दीजिए तो, धान दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, मकई दे दीजिए तो खाएगा, वो भी तो जीव है और अनाज भी तो जीव है, वृक्ष में भी तो जीव है, वो भी तो योनि है, 4 लाख योनियों में 84 लाख योनियों में 4 खानियां हैं, उसमें पहली खानी है जिसमें पेड़ पौधे आते हैं उसमें भी जीव है, हम लोग उसमें भी रहे हुए हैं तो उसको क्यों नहीं शेर बाघ खाते हैं, जीव जीवस्व भोजनम, तो इसीलिए कि क्लासिफिकेशन है उसका, ईश्वर ने आहार श्रृंखला बनाया है कि वो मांसाहारी जीव भगवान बनाया है वो मांस खाएगा उसको पाप नहीं लगेगा ना, वो घास खाएगा तो लोग हंसेंगे कि शेर घास खा रहा है, लोग कहते हैं ना शेर भूखा मर सकता है घास नहीं खाएगा, गांव घर का लोग को देखिएगा अरे हम शेर हैं, बड़ा खुश होकर कहेगा हम शेर हैं, अगर आप उसी पर कह दीजिए कि हल महाराज हम तो सोचते थे आप आदमी हैं, आज जाने कि आप जानवर हैं, आपसे लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, शेर है तो शेर जानवर नहीं है, शेर जानवर नहीं है, बाकी जो कहता है ना अपने कि हम शेर हैं वो समझ लीजिए कि सही में जानवर है, सही में जानवर किस लिए कि पानी का सब बुलबुला ये तन ऐसा हो पी मिलन को ठान के रहिए ना पड़े सोए, रहिए ना पड़े सोए बहुरी नहीं मन खा दे, अरे देव दुर्लभ शरीर मिला है
इसको पा करके भगवान की भक्ति करना है, इसके लिए विनयी बनना है, विनम्र बनना है, मेल प्रेम से रहना। आप कहिएगा हम शेर है, तो शेर है तो फिर तो सही ना, आप आदमी नहीं है। जब आपके अंदर अहंकार है तो आप शेर है सही में, जानवर है। एक बार ऊपर वाले की कृपा बिगड़ गई ना, जा रहे हो सड़क से ऊपर से बिजली गिरा दे के मर जाइएगा। जहां का तहां शेर का सब शेर है, एकड़ी बाहर निकल जाता है कि नहीं। नस ब्रेन का एक ढीला कर देंगे ना, सब विद्वत्ता साफ, पागल हो जाइएगा, ठेला मारेगा बच्चा, भागिए भागेगा लोग। कि बैठ करके भाषण दे रहे थे, अहंकार हो गया कि बहुत ज्ञानी है, भगवान एक न ढीला छोड़ देंगे, कोई आपको देख के भागेगा कि पागल है, भागो मार देगा। सोचिए तो किस बात का अहंकार, ज्ञान का कि धन का कि तन का। एक बीमारी घुस गई ना, एक वायरस घुस जा रहा है, सब पावर स्टील हो रहा है। कौन सा शरीर का बल के अहंकार में है? तो जिसको किसी बात का अहंकार है वो जानवर है। वो ठीक कहता है कि हम हैं, बस अपने से कहेगा हम शेर हैं। आप कह दीजिए कि जानवर कैटेगरी में है, मार हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि पशुता की श्रेणी में है हम, हमारे पास अहंकार है, तो खान पान पवित्र नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, जीव जीवस्व भोजनम, लेकिन देयर मस्ट बी ए क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण है। हिरण कभी मांस नहीं खाएगी, गाय कभी मांस नहीं खाएगी, मछली नहीं खाएगी। आदमी को देख लीजिए, है शाकाहारी लेकिन बना हुआ है सर्वाहारी। जो चीज के बिना आप नहीं रह सकते वो आपका स्वभाव है, इसकी परीक्षा आप कर लो। यहाँ बैठा कोई आदमी है जिसको आज कह दे कि आज से लेकर के आपको लगातार 50 दिन केवल मांस ही खाने के लिए मिलेगा, खाएगा वो है? मर जाएगा वो, उसका हाई ब्लड प्रेशर इतना होगा ना, वो ऐसे प्रेशर से मर जाएगा और उसको ऐसे भी स्वाद नहीं आएगा, उकता जाएगा। लेकिन चावल दाल सब्जी साग फल जीवन भर शाकाहारी आदमी खाता है, उसको कभी उकताहट नहीं होती है, क्योंकि आप शाकाहारी स्वभाव से बाय नेचर है, इसलिए जो स्वाभाविक चीज है उसमें उकताहट नहीं होती है। तो बाय नेचर हम शाकाहारी हैं, झूठ बोलना हमारा स्वभाव नहीं है। एक आदमी संकल्प कर ले कि हम एक सप्ताह सच नहीं बोलेंगे, जी नहीं सकेगा। उसको भले हम झूठे बोलेंगे कैसे रहेगा। हम आपसे पूछें कि भूख लगी है, आप कहिएगा कि ना, आ लगी हुई रहेगी, पानी पीजिएगा तो ना, आप बोलिए रह पाइएगा। केवल झूठ नहीं बोल के आप जी सकते, लेकिन सच बोल करके जीवन पर्यंत हरिश्चंद्र रह गया। कोई ऐसा आदमी मिला कि केवल झूठ बोलता? हाँ, झूठ ज्यादा बोलेगा तो कहते झूठा है ना, लेकिन केवल झूठ कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ हमारा संस्कार स्वभाव नहीं है, हमारा सत्य स्वभाव है, हम उसमें टिके रह सकते हैं। तो भोजन शाकाहार हमारा स्वभाव है, मांसाहार नहीं है आपका। केवल मांस खा के आप नहीं रह सकते, रोज आपको केवल मीट मिलेगा, मछली मिलेगा, खाओ, मुर्गा मिलेगा, खाओ, रोज यही खाओ, कोई चावल दाल सब्जी आटा कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं खा सकते आप। शेर को सुने हैं कि हाँ, गया बनिया के यहाँ कहने के लिए कि आज मारे हैं बकरा, थोड़ा तेल मसाला दीजिए, गेहूं दीजिए, चावल दीजिए, सबको बनाएंगे तब मिला के खाएंगे, बिना पकाए ऐसे खा के सो जाता है। तो पहली बात है कि खान पान आपका नहीं सुधरा, आप जो है सर्वाहारी हैं। शेर को लोग मानते हैं कि शेर है, हे भाई शेर है, मैं बड़ा जिगर वाला है, पूछते हैं उसको है ना। गाय को भी पूछते हैं कि गौ माता है, शेर घास नहीं खाता, गौ माता कभी मांस नहीं खाती, आ घर में रहने वाला कुत्ता सब कुछ खाता है, तो उसको लोग दूर दूर आके रखते हैं, कहते तो है भैरव बाबा, लेकिन हम तो नहीं देखे कि कोई कुत्ता को पूजता है अपने घर में। पूजते हैं क्या आप लोग कुत्ता को? क्यों? अरे सर्वाहारी है वो, उसको कोई नहीं पूजता। आ गौ माता अपने जगह पर है, उसकी गोबर तक को लोग पूजा में लगा लेते हैं।
तो आप समझ लीजिए इसको, एक क्रोनोलॉजी को समझिए। पहली बात गुरु कहते हैं खान पान की बात, पहले आपको सुधार करेंगे। फसल खेत के ऐसे जाके बीज छिड़ते हैं कि पहले खेत को जोतते हैं, तैयार करते हैं, तब बीज डालते हैं। संत कहते हैं खान पान से चित्त तुम्हारा दूषित रहता है। गुरु नानक कहते हैं जे रत लागी कपड़ा जामा होय पलित, कहीं तुम जा रहे हो और मछली सट गया, अभी बाजार से मंदिर जा रहे हैं देह में मछली सट गया, हम मंदिर पूजा करने जा रहे थे नहा धोआ करके, साड़ी में सट गया कि कुर्ता में सट गया, आप श्री मंदिर जा रहे थे तो चले जाइएगा, जाइएगा पूजा करने, क्या कीजिएगा लौट के आइएगा, नहा करके कपड़ा बदल कर फिर पवित्र वस्त्र धारण करके तब मंदिर में जाइएगा। आप सोचिए, गुरु नानक कहते हैं ओ कपड़ा में सट गया मुर्गा, खून मछली का खून या मछली तो वो गंदा हो गया, पवित्र हो गया, वो मंदिर जाने लायक नहीं है, जो मंदिर तुमने बना दिए हो। आइए बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम। जिसको भगवान श्री, ये मनुष्य का शरीर जो है ना सच्चा शिवालय है, इसी में हमारी प्राप्ति होती है, सिद्धि और मुक्ति मिलती है। ये भगवान शिव का घर है, विष्णु का घर है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, परमात्मा का चलता फिरता हुआ इसको मंदिर बाइबिल में कहा लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, ईश्वर का चलता फिरता हुआ ये मंदिर देखो जिसको ईश्वर ने बनाया है, है? तो ईश्वर के बनाए हुए इस मंदिर में, इस आपके बनाए हुए मंदिर में जाने के लिए, इस ईश्वर के बनाए हुए मंदिर में अगर थोड़ा सा कुछ सट गया तो गंदा हो गया, पवित्र हो गया, आप नहीं जाते। और इस भगवान के बनाए हुए मंदिर में, भगवान के दिए हुए इस मानव देव दुर्लभ वस्त्र में, है ना, आपका बनाया हुआ वस्त्र, आपका बनाया हुआ मंदिर, उसमें सट गया मुर्गा मछली, आप पवित्र हो गए, वस्त्र पवित्र हो गया, आप नहीं गए। ईश्वर का बनाया हुआ ये देव दुर्लभ आप अंश जीव और इसमें रहने वाला ईश्वर, आइए बनाया हुआ मंदिर वस्त्र किसका, ईश्वर का, और इसमें आप क्या डाल देते हैं, क्या क्या डालते हैं, अंडा मुर्गा मछली जो मिला स्टेशन पे देखिएगा रखा हुआ रहता है कूड़ादान, उसमें लिखा रहता है यूज नहीं, लोग क्या करते हैं गुटखा खाया उसमें फेंक दिया, तू पान खाया तू बिस्कुट फाड़ लिया, जो भी केला खाया छिलका डाल दिया, मतलब जितना गर्बेज होता है कूड़ा, हर तरह का कूड़ा उसमें डालते हैं, उसको बोलते हैं कूड़ादान। आपने इसको क्या बना दिया, कूड़ादान। ये है भगवान का मंदिर। भगवान कहते हैं जिंदा मंदिर मैंने बनाया, ये मनुष्य शरीर शिवालय है, इस शिवालय में कुछ भी डाल दो तो पाप नहीं है, वहाँ पाप यहाँ पाप नहीं। कहते यही काम संत महात्मा करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, विवेक की आँख खोलते हैं। याद रखो नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदक्षुस है, कुदरती कावे का साकिन दुख उठाने के लिए, उसकी बड़ी चिंता और इसकी कोई चिंता नहीं, जिसके साक्षात भगवान करें मैं बनाया मेरा मंदिर है, इसी में मैं मिलूंगा उस, अब उसके नाम पर बूटी खींचते हैं, बताइए शिवालय है वैष्णवालय है, इसको समझिए इसकी कीमत को, सिद्धि होती है इसमें। तो गुरु आपको पहले खान पान शुद्ध करके मानव का भोजन सिखाएंगे, तब कहते तुम्हारा खेत तैयार हो गया, ये मनुष्य शरीर अब तैयार है, किस लिए, चित्त निर्मल जोरत पियर नानक का, कैसे निर्मल चित्त, नानक कहते हैं मांस मछली खाओगे रक्त तुम्हारे चित्त में फंसेगा तो चित्त तुम्हारा निर्मल कैसे होगा, और जब तक मन निर्मल नहीं है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोमोहि भावा सोमोहि पावा, जो निर्मल मन के हैं वो हमको पाते हैं, और ये रक्त लगा हुआ दिल से कैसे पाओगे, तो खान पान को सुधारो पहले, उससे तुम्हारी वृद्धि शुद्ध होगा, जैसे खाए अन्न वैसा होए मन, जब आपका मन शुद्ध होगा अन्न के प्रभाव से, शुद्ध अन्न खाएंगे दूषित संस्कार खून का निकल जाएगा, तब कहते हैं कि अब आओ बैठो और तुमको साधन धाम मोक्ष का द्वार सिखाते हूँ, तब वो पारस का स्पर्श कराते हैं, मंत्र जप करने की विधि बताते हैं, इष्ट रूप की विधि बताते हैं, दृष्टि योग की विधि बताते हैं, तो मानस जप मानस ध्यान बताते हैं बुद्धि योग में और दीक्षा में, और तब कहते हैं
कि मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा, तो दो क्रिया करके चित्त को शुद्ध कर लो, खान पान की शुद्धि, फिर मंत्र जप और गुरु के रूप का ध्यान से चित्त शुद्ध करो, और तब मोक्ष का बंद द्वार खोलने के लिए कहते हैं दो नैना बीच सन्मुख दे, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। भगवान शिव कहते हैं पाम दक्षिण रुंधती प्रविशंति सुतुम नयाम अब्रह्मरंधम प्रविशंति तास्ते यान्ते परमाम गति। बाई दाई दृष्टि की दोनों धारों को मध्य में गुरु की युक्ति से निरुद्ध कर लेना ही, जैसे दृष्टि की धार मध्य में मिलेगी ईड़ा और पिंगला आपस नेगेटिव पॉजिटिव तार सट जाएगा, बंद दसवां द्वार भक्त से खुल जाएगा, और आंख बंद करके जो अंधकार देख रहे हो तो वहां प्रकाश हो जाएगा, अभाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख हो बहुते रहे। संत लोग कहते हैं ये मोक्ष का द्वार की विधि दीक्षा में गुरु बताते हैं, जो इस मोक्ष के द्वार को खोला, खोलते ही समझो पारस में सट गया, अब वो लोहा लोहा नहीं है, वो मनुष्य मनुष्य शरीर नहीं है, वो देव दुर्लभ हो गया, वो सोना हो गया। और पारस तो लोहे को सोना ही बना के छोड़ देता है, पारस नहीं बनाता, लेकिन गुरु की महिमा क्या है, पारस और गुरु में यही अंतर हो जान, वह सोना वह लोहा सोना करे गुरु कर ले आप समान, गुरु जो है पारस के स्पर्श से पारस बना देते हैं, लोहा को सोना पारस बनाएगा, लेकिन गुरु का ज्ञान का स्पर्श आपको सदगुरु की स्थिति अर्थात मोक्ष गति में सदगुरु होते हैं तो आप भी मुक्त हो जाएंगे, जैसे गुरु में सामर्थ्य था गुरु की कृपा से आपको वैसे सामर्थ्यवान हो जाएंगे। एक जलता दिया जैसे दूसरे दिया को अपनी ही तरह जला देता है, पहला दिया का भी प्रकाश उतने और दूसरे का भी प्रकाश उतने, उसी तरह संत सदगुरु का ज्ञान जैसे सटा, तो जैसे गुरु का ज्ञान तो है ही, आप भी उतने ज्ञानी हो गए। घटा क्या, एक दिया जला दिया दूसरे दिया से तो दिया को प्रकाश घट जाता है क्या, नहीं घटता। वैसे गुरु अपने सामर्थ्य से दूसरे का सामर्थ्य जो है प्रकट कर दिए, आपके अंदर भी शक्ति छिपी हुई थी, गुरु ने अपने सामर्थ्य से उसको युक्ति से उसको जला दिया, आप प्रकाश भर गए, आप भी ज्ञान से भर गए, आपका कल्याण हो गया। तो सदगुरु मिलते हैं तब कल्याण होता है, इसीलिए गोरखनाथ कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजड़ा तामाही जुगति बिन सुआ, और सदगुरु मिले तो उबरे बाबू और नहीं तो प्रलय हुआ। सदगुरु मिले तो आप समझिए कि आपका ये जीवन सार्थक हो गया, आ नहीं तो प्रलय हुआ। इसलिए हाथ जोड़कर भगवान कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही, ताही कबो भल कहे न कोई, आ मुक्ताग्रही परस मणि खोई। तो ऐसे लोग जो मन शरीर पाकर केवल खाओ पियो मौज मस्ती कमाना खाना आनंद लेना जो मन हो सो करना रहते हैं, वो एक दिन मनुष्य शरीर उनके हाथ से निकल जाता है, फिर धुन धुन कर पछताते हैं, कहते हैं मेरा भाग खराब था, भगवान ने हम पर कृपा नहीं की, समय नहीं मिला, कहते हैं ये सब दोष लगा के क्या कर पाओगे, जब फिर मनुष्य शरीर से निकल करके 84 में चले जाओगे जम की मार खा खा के। तो जब जम राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। इसलिए भगवान ने कहा कि सदगुरु के शरण में जाकर सद युक्ति लेकर के साधना कीजिए, संसार का काम भी कीजिए साधन भी कीजिए, तो संसार में भी आपकी प्रगति होगी और शरीर के बाद का जीवन भी आपका उत्तम होगा। मनुष्य शरीर से ये भक्ति बीज आपको गिरने नहीं देगा और अंततः कुछ जन्म की साधना के बाद आपको परम गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर संस्कार आपका इस जन्म में ही अच्छा है और आपने बड़े लगन से किया तो उसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो संसार के कर्म करते हुए थोड़ा थोड़ा भी किया तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे, क्योंकि ये इस भक्ति के संस्कार को सत्संग के संस्कार को मानव तन रूपी बर्तन छोड़कर वस्त्र छोड़कर कोई और वस्त्र धारण नहीं कर सकता। कहते हैं शेरनी का दूध इतना गर्म होता है कि और किसी बर्तन में रखिए बर्तन ही फट जाता है, उसके लिए सोना का बर्तन चाहिए। उसी तरह ये ध्यान सत्संग का संस्कार इतना उत्तम है कि इसको टिकाने के लिए मनुष्य शरीर ही चाहिए, दूसरा शरीर नहीं है। तो भगवान आपको फिर मनुष्य शरीर देते हैं, वहां से फिर भक्ति बीज आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते आप मोक्ष में चले जाते हैं, नहीं तो क्या होगा।
आत्महन गति जय जो न तरय भवसागर नर समाज असपाय सुकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जय। अगर आपके आपने ध्यान भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो संसार में भी आप मनुष्य नहीं बन पाए, जीवन आपका शांतिमय सुखमय नहीं हो पाएगा। ध्यान भजन करने से आदमी संसार में अभाव में भी मुस्कुराते रहता है, और इससे जो दूर है वो ऊंचे महलन मरित जड़ित मणिगणे सुख तब हो नहीं पाओ, तब भी धन सब हो जाएगा, मन स्थिर रहता है। क्यों? उसका चित्त जो है अशांत रहता है, लेकिन सत्संग ध्यान करने वाले का चित्त शांत रहता है। और अशांतस को तो सुखम, अशांत चित्त वाले को सुख कहाँ से होगा, शांत चित्त में सुख विराजता है। तो ध्यान सत्संग से थोड़े में भी जीवन आनंद में रहता है, और बिना ध्यान सत्संग के बहुत में भी आदमी अशांत दुखी हाय हाय में रहता है। तो संसार में भी विकास, और मरने के बाद भी आपका ऊंचा गति होगी, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर मोक्ष मिलेगा, और नहीं तो आत्महन गति जाए, मतलब मरने के बाद आत्महत्या करने वाला भूत प्रेत आदि योनियों में जाकर के कष्ट उठाएंगे। ऐसे दुर्लभ तन को पा करके अपने जीवन को समझिए, इस देव दुर्लभ तन को इसकी कीमत समझिए, इसकी महिमा दीजिए, इसको महत्व दीजिए। अवसर बड़ो भलो रे भाई, ये बड़ा भला अवसर है। ऐसे भले अवसर पर क्या करना चाहिए, मनुष्य शरीर रूपी भले अवसर का पर लोक सवार लीजिए, ये अवसर आपके हाथ से ना निकले एक क्षण की।